काम करना थले गेड़ा मार के आना के पता सरगुंजी वेख जान। फिर तो मेरी सरगुंजी नूं दूर करके मेरी रातां दी नींद उड़ा के खुद चैन दी नींद सौंदी है। वेखो किता इत्थे आराम नाल पानी पीना ही है। अज सरलीन दी बच्ची नूं ऐसा सबक सिखावांगा ना कि कई रातां तक ना चैन दी नींद सो नहीं पाएगी। इहनूं इहदी असली जगह विखाउणी पऊगी। करां की करां की प्रकारां की ओए, मिल गया आइडिया। नायका असली मजा। वेखो अच दूजे नूं डराने वाली आप किदां डरी पई है। खड़ जा पुत, तैनूं तां मैं होर डराना ले। खड़ जा तू। पर करा की करा की करा की यस।
क्यों उठे हुए ने? सरगुन पूत पूत किस करचना पूत है हैं? मैं आप दरवाजे की आवाज सुन लाइट आना अपने आप ही जाग बुझ रही थी। मैं ना पक्का कह रही हूँ इस घर को ना कोई भूत है। बिल्कुल ओ हरलीन तू जरूर कोई ना कोई सपना वेखे होना है। तू सो जा तो मैनू भी सो लैन दे। चल सो जा। नहीं मैं सच कह रही हूँ। ओ सो लैन दे प्लीज हरलीन। सरगुन सरगुन मैं कहा सी ना कि बाहर कोई तो है जे हनुमान ज्ञान सक जे कपिल तिलों वाला राम लखन। भूत वगैरह नहीं ये पक्का कोई चोर होना है। हूने दसती हाँ इन मम्मी कितने फस गई कोई तो है जड़ा अजे तक सुता नहीं ते चीजा उत्ते थले करी जा रहा है। देखती हूँ ये यूवे की कर रहा है। पागल है कि तू अद्धी रात को इतने पूता वांग की करता पै? मैं पूता वांग नहीं बल्कि आशिक बन के तालू मिलन आया। पागल हो गया तेनू पता हरलीन अंदर बाथरूम च बंद है किसी भी टाइम बाहर आ सकती है। छड़ मैनू ते जा इत्थों दी छड़। सरगुन जी तुहानू घबराने की लोड़ नहीं है। मैं हरलीन नू इन्ना डरा दिता ना कि वह एक घंटे तो पहला बाथरूम चो बाहर आ ही नहीं सकती। हुण मैं तुहानू उदों ही छड्डांगा जब तुसीं मैनू प्यार जी किसी दे दोगे। तू पागल हो गया जे किसी ने देख लिता ना तो पंगा पै जाएगा। परसों जो होया सीगा वो घट सीगा जेड़ा तू इस सब करके होर पंगा पौना चाहना है। जिन्ना तमाशा होना ना हुण हो जांदा। हुण मैं तुहानू उदों ही छड्डांगा जब तुसीं मैनू किसी दो नहीं तो सरगुन जी मैनू पूरी रात नींद नहीं आएगी। और जे मैनू नींद नहीं आएगी ना तो मैं पूरी रात भूत बन के ना तुहाडे आसे पासे घूमता रहूंगा। छड़ो छड़ो एक कम करो चली चलो फिर उदो करो करो। हाय रब्बा मैं इन्नी रात नू किस मुसीबत च फस गई। युवराज सच्ची पागल है। सरगुन जी की सोच जा रहे हो दोना किसी तू मैनू छड़ मैं तेनू कोई किसी भी सिंदे नहीं छड़ मैनू तो जा इत्थों दी। तुहानू मेरे मसा भी परवाह नहीं है। मैं तुहानू कहना मैनू नींद नहीं आएगी और जे मैनू नींद नहीं आएगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। शायद मैनू इदा लगता तुहानू तो मेरी पई नहीं है। युवराज तू मेरी गल समझ क्यों नहीं रहा प्लीज जा इत्थों दी। सरगुन जी जे मैं नहीं समझ रहा तो तुसी समझो ना। वैसे भी सरगुन जी जो इतना प्यार करते ना किसी नूं उन्होंने इतना मना नहीं करी था।
कोई गल नहीं सरगुण जी, मैं तो लगता है तुम इन्ना प्यार ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, यूवी कितने चला गया? कितने सबनु मिलन हलीन दे कमरे विच ते नहीं गया? मैं रुचा के देखना पेगा। ते बीबी जी तो नहीं आ रहे? जे उन्होंने मैनू ते युवराज नू कठिया देख लिया तो बहुत वड्डा पंगा पै जाना। नहीं इत नहीं आया, पर फिर कितने गया है मुंडा? अचानक सब शांत हो गया, हम बाहर जाके देखा। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। नहीं ऐसे नहीं होएगा, सरगुण तो आराम नाल अंदर सुती हुई है। राज, राज उठ, बीबी जी चले गए। उठ छेती, मम्मी गए? हाँ चले गए, पाँच छे थोड़ी छेती। रुकुन जी, मस्ता ही बचे हैं आपते। ओहो, उन्हें सब छाड़, जाए थोड़ी छेती। हाँ हाँ, चले जाना ठीक है। अच्छा सरगुण जी, किसी दिन लेना, बहुत बहुत थैंक यू। चल रही है।
ਇਹ ਯੂਵੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤੀ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਰਲੀਨ, ਅਰਲੀਨ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਛੇਤੀ ਸੋ ਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਸੋ ਰਹੇ थे? मेरा मतलब है सब ठीक थे? मम्मी कुछ काम सी तनु? यूवी तू थोड़ी देर पहला कमरे विच नहीं सी, किथे गया सी अन्नी राती? ते हुन तू इत्थे सुत्ता होया? मम्मी तुसी वॉशरूम चेक कीता? ओथे ही सी मैं, ओथे ही सी, और किथे जाना? मैं भी सारा घर वेख लिया पर इत्थे चंगी तरह देखे ही नहीं, दिमाग च पता नहीं की सोची जा रही सी। मम्मी तुहानू की लग्या? मैं घरे नहीं सी। ओह मैं तां बहुत डर गई सी कि तू अद्धी राती चला कित्थे गया। चल कोई ना, तू हुण सो जा, सवेरे आशा दे घर भी जाना। ओह मम्मी मम्मी जे तुहानू बहुती नींद आई तां तुसी इत्थे थोड़ी देर बह के मैनू सवाई दो प्लीज। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।